हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ मिंत्रा शॉपिंग हॉल। तो आप देख सकते हो, इसे मैंने सैनिटाइज़ किया है, इसी वजह से इसके ऊपर जो बिल था उसका कलर चेंज हो गया है। इसकी जो पॉलिथीन है इस तरह से नॉर्मली कागज की बनी हुई है, और ये है हमारे मास्क। तो हाँ फ्रेंड्स, मैंने मंगवाए हैं मास्क ऑनलाइन से। तो ऑनलाइन से अगर मास्क मंगवाते हो तो क्या प्रॉब्लम होती है, सब भी डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 1200 रुपये के ये मास्क मुझे पड़े हैं। अराउंड एक मास्क मुझे पड़ा है 300 रुपये का। बहुत ही कॉस्टली मास्क है। N95 मास्क मैंने मंगवाए है दोस्तों। इसकी जो पैकेजिंग है कुछ इस तरह से है, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में इस तरह से वार्प होके आया है ये। तो आप देख सकते हो, स्टे सेफ स्टे हेल्दी इसे इस पर लिखा है, घर पे रहिए। और ये मास्क है N95 का मास्क, जिसे इन लोगों ने डिज़ाइन किया है अलग अलग स्टाइल में। प्योर एंड सेफ लिखा है, प्रोटेक्शन रियूजेबल मास्क लिखा है इस पर। और देख सकते हो, इफ़ेक्टिव है ये जर्म्स वायरस हार्मफुल बैक्टीरियाज पॉल्यूशन एंड डर्ट्स। एक्टिवेटेड कार्बन है, N95 मास्क है, मेड इन इंडिया है। तो ये इसके 5 लेयर है, आप देख सकते हो, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 एंड लेयर 5। तो इस टाइप के ये मास्क है जो आपको मिंत्रा पे मिल जाएंगे। बट ये वर्थ बाय है कि नहीं, मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसे हम खोल के देख लेते हैं। तो ब्लैक कलर का ये 2 मास्क है जो मुझे 599 रुपीज़ का अराउंड पड़ा है। ये जो मास्क है मुझे कितने में पड़ा है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती जाऊंगी। तो बहुत ही टफ मास्क है, बहुत ही हार्ड मास्क है, आप देख सकते हो। ब्लैक कलर का है, एक थोड़ा सा छोटा है, एक थोड़ा सा बड़ा है। और इसके साथ इस तरह से एडजस्टेबल बेल्ट आता है, जिससे कि आपका जो ईयर है वो थोड़ा सा दर्द नहीं होगा। लेकिन ये ना पहनने में एकदम ख़राब है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे प्योर एंड सेफ लिखा है। बनावट इसकी अच्छी खासी है, बट इसमें आप देख सकते हो स्टिकर यहाँ पे नीचे लगाया गया था और फिर ऊपर लगाया। ये स्टिकर लगाने का फ़ायदा क्या है वो मुझे समझ में नहीं आया। बहुत ही बेकार क्वालिटी का स्टिकर लगाया है, जिसे आप नाक पे पहनोगे ना तो वो आपको चुभेगा पूरा। इतना बेकार क्वालिटी का मास्क मैंने ऑर्डर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये क्या ऑर्डर कर दिया और कितना पैसा वेस्ट कर दिया मेरा। और ये नॉट रिटर्नेबल है, आपको पता है 1200 रुपये मेरे वेस्ट गए। अगर आप सोच रहे हो कि आप ऑनलाइन कोई मास्क खरीदना चाहते हो जो एकदम सेफ है, ये जब लॉकडाउन चल रहा था, जब कोरोना बहुत काफ़ी हद तक चल रहा था, तब मैंने मंगवाए थे ये मास्क। मैंने तब इसका अनबॉक्सिंग किया था, बट मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो अभी मैंने इसको एडिट करके इसको ऐड किया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप ऑनलाइन अगर कुछ मास्क या फिर कुछ ख़रीदना चाहते हो, तो कभी भी मत खरीदिएगा। ये जो मास्क है बहुत ही हाईली प्राइस के होते हैं और बहुत ही बेकार क्वालिटी के होते हैं और नॉट रिटर्नेबल होते हैं। अगर आप मिंत्रा से आप मंगवाते हो और अगर आप इसको रिटर्न करना चाहते हो या फिर आप कंप्लेन करना चाहते हो, तो भी ये इसकी कंप्लेन कोई भी सुनता नहीं है, क्योंकि ये मास्क जहाँ से आए हैं उस वो इसे फिर से लेते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसका जो बनावट है वो अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ये पहनने में अट्रैक्टिव नहीं है। पहनने में एकदम अनकम्फर्टेबल है ये मास्क। तो इसी वजह से मैं इसका रिव्यू करने जा कर रही हूँ कि आप इसे अगर ख़रीदने का सोच रहे हो तो कभी भी मत खरीदिएगा। मेरे तो पैसे एकदम वेस्ट गए इतने। तो इसी वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। आई होप फ्रेंड्स, आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो व्यूअर्स। बाय बाय।